इक्कीस इक्कीस बाईस साल इक्कीस नहीं 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 1920 है सर। चलो छः अगस्त 2010 को शहीद हुए त्रिपुरा 101 बटालियन BSF से, और वहाँ से जब बॉडी आई तो यहाँ के शासन प्रशासन सब लोग थे, उन्होंने कहा था कि इनको कृषि योग्य जमीन 10 बीघा का नाम लिया था DM साहब उस समय। उसके बाद वो लोग चले गए, न मुड़ करके कोई नहीं आया, न शासन का आया न प्रशासन का आया। परिवार हमारा सर इतना आतंकित है, जो स्मारक है स्मारक का पट्टा तक अभी तक सरकार ने नहीं दिया हमारे को। वो जो स्मारक बनाया हम अपने 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 पैसे से अपनी लागत से बनवाया है स्मारक को। आज हमारी वो स्थिति हो गई है, शहीद के परिवार की वो स्थिति हो गई है सर कि गांव के कुछ लोग कहते हैं मुर्दघट्टा है, ये है वो है, यानी शहीद कोई मानने को राजी नहीं। हमारे क्यों है कि गांव के लोग शहीद नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि कहते हैं भाई अगर ये शहीद हुआ होता तो सरकार बहुत कुछ करती इनके लिए, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं, गाँव वालों को दिखा नहीं, और क्या नाम हो, इसीलिए कहते हैं मुर्दघट्टा है सर, ये शहीद वहीद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शहीद बजरंगी विश्वकर्मा की धर्मपत्नी और उनके भाई के साथ मुझसे भी कुछ दिन पहले मिले थे। उनका केवल एक बात थी कि शायद उनको 5 विश्व की जमीन का पट्टा दिया गया था और वो अभी चिन्हित होकर उनको शायद मिल नहीं पाई है या कोई विवाद है। तो मैंने इस बारे में SDM और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख लें और अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका हल कर दें। उनकी इस वीरता के लिए सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया, लेकिन हैरत की बात है कि जिस शहीद ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश के सैकड़ों जवानों की जान बचाई, आज उसी का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्रशासन द्वारा दिया गया आश्वासन अब भी अधूरा है। अनुराग चौधरी, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।